ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र के अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन पर केंद्रित रूपक मुकुट हिमाला। आलेख राकेश ढौंडियाल, प्रस्तुतकर्ता अनिल भारती। पच्चीस मई सन 1916 टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ गांव जौल में पंडित हरिराम बडूनी के घर एक बालक जन्म लेता है। टिहरी रियासत के साधारण से परिवार में जन्मा ये साधारण सा बालक श्रीदत्त बड़ा होकर श्रीदेव सुमन के नाम से जाना जाता है और अपने असाधारण बलिदान के कारण अमर हो जाता है। श्रीदेव सुमन देशी रियासतों की शोषित जनता की आवाज बने। स्वाधीनता और नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने मात्र 28 वर्ष की उम्र में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के अत्याचारों के विरुद्ध प्राणोत्सर्ग करने वाले पहले युवा थे, किंतु ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं में स्वाधीनता के स्वर इस घटना के कई वर्ष पूर्व मुखर होने लगे थे। इसका कारण था पर्वतीय लोगों की स्वभावगत विशेषता। वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक राजीव नयन बहुगुणा। जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, चाहे स्कॉटलैंड हो, बोस्निया हो, चाहे तिब्बत हो, तो उनमें स्वतंत्रता की आकांक्षा कुछ और अधिक होती है, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड, जबकि यहाँ आवागमन के साधन नहीं थे और देश के बाकी हिस्सों से यहाँ के लोग बहुत कम जुड़े थे, लेकिन तब भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया। श्रीदेव सुमन के जन्म से कुछ 6 दशक पहले कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं और गढ़वाल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने का गौरव हासिल कर लिया था। उन्होंने काली कुमाऊं क्षेत्र की जनता को संगठित कर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आनंद सिंह फर्तियाल, विश्ना करायत, माधो सिंह, नूर सिंह और खुशा सिंह के साथ मिलकर उन्होंने कई ब्रिटिश बैरकों को फूंक दिया। ब्रिटिश सरकार के जहन में इस विद्रोह का इतना आतंक था कि उन्होंने 1937 तक काली कुमाऊं के किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश फौज में भर्ती नहीं किया। भारत में अकाल का पुराना इतिहास रहा है। 1860 के बाद कई बड़े अकाल आए और इन्होंने देश में बहुत तबाही मचाई। उस जमाने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। आर्थिक जड़ता के साथ सामाजिक चेतना भी स्थिर हो चुकी थी। ऐसे में आर्य समाज ने एक नई चेतना का संचार किया। दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की पर्वतीय यात्राएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। उत्तराखंड में जनजागरण और आंदोलनों का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर योगेश धस्माना। स्वामी विवेकानंद की यात्राएं 1868 से प्रारंभ हो जाती हैं और 1897 तक लगातार वो शिकागो जाने से पूर्व और उसके बाद भी इस क्षेत्र में आए। अल्मोड़ा में रहकर जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच काम किया और धीरे धीरे करके जनता ब्रिटिश राज के विरुद्ध उद्वेलित होने लगी। ब्रिटिश गढ़वाल में कई सामाजिक संघों की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही हो चुकी थी। 30 सितंबर 1916 को
नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। उद्देश्य था पर्वतीय अंचल में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के अंधकार को मिटाना। इसके संस्थापकों में लक्ष्मीदत्त शास्त्री, पंडित हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे शिक्षित व्यक्ति थे। गांधी के राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय होने से बहुत पहले उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में और मुकुंदी लाल बैरिस्टर, जिन्होंने गांधी के आह्वान से पहले, गांधी की राजनीति में आने से पहले पहाड़ के लिए जन जागरण का काम करना शुरू किया था। उत्तराखंड में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का संचार बढ़ने लगा था। जो शैक्षणिक संस्थाओं का विकास हुआ और उसमें पढ़ने वाले जो हमारे युवक थे, ये कहीं ना कहीं देश में जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनका असर इनके कार्यक्रमों में भी दिखाई देता है। फलस्वरूप 1901 में देहरादून में पहला सामाजिक संगठन गढ़वाल यूनियन का बनना, 1902 में दुगड्डा से गिरजादत्त नैथानी के संपादन में गढ़वाल समाचार का प्रकाशन होना, मई 1905 में देहरादून से ही गढ़वाली विशंबरदत्त चंदोला के संपादन में गढ़वाली का प्रकाशन होना, 1913 में कुकरेती जी के सानिध्य में विशाल कीर्ति का प्रकाशन पौड़ी से होना, हिंदी के भारतवर्ष के प्रथम डीलिट पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नेतृत्व में दुगड्डा और बाद में नेथाना गांव से पुरुषार्थ का प्रकाशन होना, और फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो आरंभिक दो दशक हैं उत्तराखंड में राजनीति के, वो समाज सुधारों पर केंद्रित थे। कुमाऊं और गढ़वाल में पहला असहयोग आंदोलन कुली बेगार और कुली उतार प्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से आरंभ हुआ था। इन प्रथाओं को बाद में कानूनी जामा पहना दिया गया। लेखक दीवान बोरा। जब ब्रिटिश शासक जो अधिकारी वगैरह जाते थे अपने क्षेत्रों में जाते थे, तो उनका सामान ढोने के लिए, उनका सामान वगैरह ले जाने के लिए कूली वगैरह की व्यवस्था की जाती थी। तो कूली की व्यवस्था का काम वहाँ के प्रधानों को दिया गया था। तो प्रधान कूली वगैरह की सूची बनाया करते थे। तो उनको क्या कहता, जबरन सामान ले जाना होता था। अच्छा, सामान जब वो ले जाते थे उसकी कोई पगार वगैरह नहीं देते थे, उनकी कोई मजदूरी नहीं थी, वो जबरन ले जाते थे। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के सरकारी और निजी दौरों की व्यवस्था स्थानीय लोगों को करनी होती थी, जिसे कुली बर्दाश्त कहा जाता था। उनकी छावनियां थी, बैरक वगैरह थे, वहाँ राशन वगैरह की आपूर्ति करनी होती थी। कृषि उत्पाद वगैरह था, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, अनाज वगैरह, उसकी सप्लाई होती थी, आपूर्ति करते थे, वो जबरन वसूली जैसी थी। इन प्रथाओं के विरुद्ध बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों ने कुछ कानून भी बनाए, लेकिन उनका कुछ खास असर नहीं हुआ। सन 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में बेगार, कुली उतार, जंगलात और शिक्षा के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और अंग्रेजी सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि 2 साल के भीतर कुली बेगार और कुली उतार प्रथाएं समाप्त नहीं की जाती तो इसका उत्तर असहयोग से दिया जाएगा। दीवान बोरा। कुली बेगार की जो अंत्येष्टि जो हुई वो 1921 में बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को मालगुजारों का काम था कि सूची तैयार करना कुलियों की, इनकी उनकी, तो उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गांव गांव में तैनात किए गए थे, तो वो इस्तीफा देकर जो है मेले में आ गए। मेले में करने का प्रयोजन ये था कि मकर संक्रांति के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बिना बुलाए लोग पहुँच जाते हैं, इसमें कोई अंदेशा भी नहीं होगा कि लोग क्यों जमा हो रहे हैं। तो उसमें तब उन्होंने घोषणा की कि हम आज से जो है कुली बेगार वगैरह, कुली उतार वगैरह नहीं देंगे जी, कुली बर्दाश्त नहीं देंगे। और जो वो सरकारी जो कर्मचारी तैनात किए गए थे मालगुजारों के नाम से, वो अपने अपने रजिस्टर और रिकॉर्ड वगैरह लाए सर, उन्होंने सरयू नदी में बहा दिए। तो तब से जो है कुली बेगार का अंत हो गया। तो वो पहला असहयोग आंदोलन था और जो अहिंसक क्रांति रही उसकी विजय मिली पहली। महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति कहा। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया, जिन्हें इसी कारण कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। महात्मा गांधी की कुमाऊं और गढ़वाल यात्राओं का हिमालय क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वे पहली बार 16 मार्च 1916 को देवभूमि पधारे थे। राजीव नयन बहुगुणा। अपने शुरुआती दिनों में आप देखें कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो सबसे पहले वो उत्तराखंडी आए, हरिद्वार आए, गुरुकुल कांगड़ी में, और उसके बाद फिर लक्ष्मण झूला तक गए। डॉक्टर
योगेश धस्माना। इसके बाद गांधी कुल मिलाकर 1946 तक 7 बार उत्तराखंड आए, लेकिन जो उनकी व्यापक यात्रा थी वो थी जून और अक्टूबर 1929 को। चंद्रशेखर तिवारी। वो बरेली तक ट्रेन से वहाँ पर आए और वहाँ से फिर हल्द्वानी आए। हल्द्वानी में उन्होंने जनसभा की, उसके बाद वो नैनीताल आए, वहाँ से भवाली चले, भवाली के बाद आगे ताड़ीखेत। ताड़ीखेत में उन्होंने एक प्रेम विद्यालय था उसका उद्घाटन भी किया। अल्मोड़ा में जो महात्मा गांधी जी का 3-4 दिन का प्रवास रहा, और उसके बाद फिर गांधी जी पैदल वहाँ से सोमेश्वर होते हुए कौसानी गए, तो और कौसानी में अनासक्ति योग की टीका भी लिखी, और उसके बाद वो फिर वहाँ से बागेश्वर भी गए। बागेश्वर तक आने का उनका जो मकसद था कि जो बेगार आंदोलन का सशक्त आंदोलन और दूसरा आंदोलन ककोड़ा खाल में हुआ था लगभग उसी समय, जो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, तो गांधी इन दोनों घटनाओं से इतने प्रभावित थे तो बागेश्वर आके उन्होंने इस आंदोलन के बाद जनता को मिलना का निश्चय किया था। उधर श्रीदेव सुमन टिहरी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर देहरादून जा चुके थे। वहां उन्होंने हिंदी की विशेष योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की और अध्यापन आरंभ कर दिया। ये वो दौर था जब देश आजादी के लिए हुंकार भर रहा था। अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर कर लगाया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया। सन 1930 में महात्मा सहित सत्याग्रहियों के एक जत्थे ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक बनाकर इस कानून को प्रतीकात्मक रूप से भंग कर दिया। देश के अन्य भागों में भी समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं। ऐसे में राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत श्रीदेव सुमन भला चुपचाप कैसे बैठते। देहरादून में आकर उन्होंने सबसे पहले 20 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह में भाग लिया, और नरदेव शास्त्री इसको लिखते हैं कि जो 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो प्रेमनगर का खाराघाट क्षेत्र है, वहाँ जो एक स्थानीय नदी है जिसको कि स्थानीय भाषा में लूण नदी कहा जाता है, उसमें 150 लोगों की उपस्थिति के साथ नमक निकालकर और फिर देहरादून के फालतू लाइन में उसे बेचने के साथ उस सत्याग्रह की शुरुआत होती है, और सुमन उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देहरादून से बमुश्किल 100 मील दूर स्थित टिहरी रियासत में राजशाही की दमनकारी नीतियां जारी थी। हिमालयी संस्कृति के अध्येता चंद्रशेखर तिवारी। टिहरी रियासत की ओर से जनता पर कई तरह के टैक्स थोपे गए थे जबरन, बेकार प्रथा भी थी। वहाँ के जो ग्रामीण समाज था तो उनकी जो आजीविका जो चलती थी वो बनों से चलती थी। जो नई वन व्यवस्था थी उसमें कुछ अड़चनें आ गई थी, तो लोगों में जो असंतोष आया था उसके वजह से श्रीदेव सुमन थे तो काफ़ी व्यथित थे, तो उन्होंने टिहरी राजशाही के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। टिहरी राज्य में वन व्यवस्था से जनता नाखुश थी। रवाई क्षेत्र में ग्रामीणों के मार्ग, खलिहान और गौशाला तक वन सीमाओं के अंतर्गत रख दिए गए। जाहिर है कि जनता में व्यापक असंतोष फैल गया, और सन 1930 में लोगों ने जंगल के एक भाग में आग लगा दी। राजव्यवस्था ने रवाई के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस कांड में 4 लोग मारे गए, 2 घायल हुए और 194 व्यक्तियों को कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद जनसाधारण का राजा और राज्य की न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका था। अब तक देशी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की जाने लगी थी। टिहरी राज्य की दीन दशा को देखते हुए 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके मंत्री के रूप में श्रीदेव सुमन को चुना गया। प्रजामंडल की गतिविधियों को रोकने के लिए टिहरी राज्य ने एक विधेयक पेश कर दिया। अतः प्रजामंडल देहरादून से ही संचालित होता रहा। राजीव नयन बहुगुणा। सुमन जी की आप देखिए कि उस समय की कितनी उनकी दूरदृष्टि रही होगी। जब 1932 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार उत्तराखंड की या गढ़वाल की यात्रा पर आए, श्रीनगर में सम्मेलन हुआ, तो उसी में श्रीदेव सुमन ने ये हुंकार भरी
कि ये अलकनंदा अथवा गंगा अगर हम दोनों गढ़वालों को अलग अलग करने का काम करती है, हम दोनों गढ़वालों को, दोनों गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, अगर ये हमें विभाजित करने का काम करती है तो हम गंगा को भी पार देंगे। लैंसडाउन से जब कर्मभूमि नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ तो सुमन जी को टिहरी गढ़वाल के प्रतिनिधि के रूप में संपादक मंडल में सम्मिलित किया गया। स्वाधीनता की आकांक्षा और टिहरी जनता की समस्याओं पर उनके विस्तृत लेख इस पत्र में छपने लगे। श्रीदेव सुमन गढ़वाल के युवाओं की प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक थे भारत के महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र और चिंतक राजीव नयन बहुगुणा। मेरे पिता सुंदरलाल बहुगुणा जब 13 साल की उम्र के थे तो श्रीदेव सुमन को उन्होंने देखा कि एक विचित्र वेशभूषा वाला आदमी कि जो धोती पहने है, सफेद टोपी लगाए हैं सर पे और कुर्ता पहने हैं और वास्कट पहने हैं, तो ये आदमी कहाँ से आ गया। जो दरबारी लोग थे, राजा के अधिकारी या जो राजा के अपने खास उसके लोग थे, वो तो अचकन और पगड़ी पहनते थे और जो सामान्य किसान या दरिद्र लोग थे तो एक छोटी लंगोटी और बदन पर कुर्ता या नंगे बदन चला करते थे। तो उन्होंने श्रीदेव सुमन का पीछा किया, जिज्ञासु थे, और सुमन जी ने उनसे केवल एक सवाल किया कि तुम पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करोगे। तो मेरे पिता ने बड़े सपाक से उत्तर दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई के बाद दरबार की सेवा करूंगा, क्योंकि हमारा परिवार राजभक्तों का परिवार था। मेरे दादाजी राजा के बहुत खास मुलाजिम थे, राजा के बड़े विश्वासपात्र कर्मचारी थे। तो वहाँ बगल से एक देहाती कोई किसान जा रहा था नंगे बदन, तो सुमन जी ने पूछा कि भाई फिर तुम दरबार की सेवा करोगे तो इनकी सेवा कौन करेगा। तो मेरे पिता ने कहा कि इनकी सेवा भी मैं करूँगा। तो सुमन जी ने कहा भाई एक आदमी के दो भगवान नहीं हो सकते हैं, तुम जो है तो या तो दरबार की सेवा करो या इनकी सेवा करो। तो मेरे पिता ने उन्हें वचन दिया कि मैं अब इन्हीं की सेवा करूँगा और आपके साथ में आपके पदचिन्हों पर चलूँगा। तभी से उनका रूपांतरण हुआ और वो सुमन जी के राह पर चले। सुंदरलाल बहुगुणा को पहली बार जब कैद किया गया तो उनकी उम्र मात्र 17 बरस थी। दरअसल उन दिनों श्रीदेव सुमन पर गोपनीय रूप से जेल में ही मुकदमा चलाया जा रहा था। किसी तरह से सुमन जी का जो लिखित बयान था तो वो मेरे पिता के पास आ गया और वो तब तक दिल्ली के और गढ़वाल के अखबारों में खबर भेजने लगे थे। तो गुरुद्वार से एक अखबार निकलता था कर्मभूमि, जिसके संपादक थे भैरवदत्त धोलिया, जो स्वयं भी स्वाधीनता सेनानी थे। तो मेरे पिता ने सुमन जी का पूरा बयान उसमें भेज दिया और वो बयान छप गया। तो बड़ी हलचल मची रियासत में कि भाई ये बयान कैसे छपाई, आउट कैसे हुआ। तो एक भगवान दास मुल्तानी थे ऋषिकेश के, उनकी टीरी में ससुराल थी, तो खच्चरों पर वो साबुन बेचने आते थे, वो खुद भी फ्रीडम फाइटर थे, तो उन खच्चरों के जरिए वो डाक वहाँ भेजते थे और ऋषिकेश में उसको पोस्ट कर देते थे। तो उनको पहली सजा सुमन जी की गिरफ्तारी और उनके बयान की खबर भेजने पर ही हुई थी। श्रीदेव सुमन जानते थे कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन अच्छे साहित्य के बिना संभव नहीं है। टिहरी रियासत की जनता की समस्याओं पर विभिन्न लेखों के साथ ही उन्होंने जनचेतना जगाने के उद्देश्य से कई कविताएं भी लिखी। पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर मुनीराम सकलानी। आगरा सेंट्रल जेल में भी वो कविताएं भी वो लिखते थे। उन्होंने खुद अपनी कविताओं में लिखा कि सत्य के सिद्धांत पर ही सत्य आगरा है हमारा, देश हित बलिदान हो, हिंसा रहित हो पथ हमारा। क्योंकि एक तरफ तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ जो है देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, टिहरी में राजा का शासन था, अंग्रेजों का अधीन जो है राजा था। और उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने यहाँ तक कहा
धीरता से झू झुका जगदीश को माँ के पदों पर सुमन सा कर तू समर्पण से उसको। देश में तुम्हें बलिदान होने के लिए तैयार थे क्योंकि वो दुखी थे, एक तरफ तो भारत में जो अंग्रेजों का शासन वहाँ आंदोलन चल रहा था और दूसरा उनकी जो तेरी रियासत है वहाँ की कुप्रथाएँ, वहाँ की जो पौन टोटी और बड़ा बेगार प्रथाओं के विरुद्ध में उन्होंने बहुत आंदोलन किया। वरिष्ठ साहित्यकार हर्षमणि भट्ट। सुमन जी मुख्यतः वैचारिक क्रांति के द्वारा समाज सुधार करना चाहते थे, समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना चाहते थे। वे एक अच्छे राजनेता, अच्छे समाजसेवी और संवेदनशील साहित्यकार थे। समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने सुमन सौरभ का प्रकाशन सन 1937 में किया। उनकी जननी जन्मभूमि कविता, जिसके कुछ पंक्तियां हैं, जिस जननी के सुचिरज कण से तन है मन है यह जीवन है, जिसके निसीम अनुग्रह से मिलता उरको नित भोजन है, शुभ स्नेह मही जिस गोदी में विश्राम हमें मिलता नित है, जिस राष्ट्र ध्वजा के तले आहा बन मोद मई खिलता चित है। सुमन जी ने आगरा सेंट्रल जेल से एक कविता लिखी थी, आह्वान। जनता का जो आह्वान करते हैं, समाज का जो आह्वान करते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, तो उसका कुछ अंश है। आज अवनी उगलती है अग्नियुत अंगार माजी, आज जगती कर रही है रक्त का श्रृंगार माजी, इधर मेरे मुल्क में स्वाधीनता संग्राम माजी, उधर दुनिया में मची है मार काट महान माजी। सन 1942 और उसके बाद का दौर कुमाऊं के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का महत्वपूर्ण समय था। गोविंद बल्लभ पंत की गिरफ्तारी हुई तो कुमाऊं की जनता में उबाल सा आ गया। इसी साल देघाट, सालम और सल्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जनता को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोलियां बरसाई। 9 लोग शहीद हुए और दर्जनों लोग घायल हुए। डॉक्टर योगेश धस्माना। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो जिस तरीके से गांधी की गिरफ्तारी, अरुणा आसफ अली की गिरफ्तारी, जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी होती है, उसकी व्यापक असर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कारण क्या था कि तब छोटी सड़कें बन चुकी थी, थोड़ा दूर संचार के साधन उपलब्ध हो चुके थे। इससे ये जो आंदोलन था पूरी तरह से राजनीतिक चेतना का उभार था और पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में 900 व्यक्तियों ने इस आंदोलन के लिए गिरफ्तारी दी। उधर आगरा सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद श्रीदेव सुमन ने अपने गाँव जौल जाने का निश्चय किया। उनकी इच्छा थी कि वे टिहरी में रहकर ही जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करें। बहुत से मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें टिहरी न जाने की सलाह दी, लेकिन सुमन न माने। 23 दिसंबर 1943 को राजा के सिपाहियों ने उन्हें टिहरी पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 2 साल की सजा सुना दी गई। 29 फरवरी 1944 को सुमन ने जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के खिलाफ अनशन प्रारंभ कर दिया। रियासत से मिले आश्वासनों को देखते हुए उन्होंने अपना अनशन स्थगित भी किया, किंतु उनकी पूर्ति न होने पर वे 3 मई 1944 से आमरण अनशन पर बैठ गए। 84 दिन लंबे ऐतिहासिक आमरण अनशन के बाद आखिरकार उन्होंने महज 28 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन टिहरी में अब भी राजा का ही शासन था। श्रीदेव सुमन की शहादत से प्रजा में भारी आक्रोश था। ऐसे में टिहरी को राजशाही से मुक्ति दिलाने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कमान संभाली। राजीव नयन बहुगुणा। चंद्र सिंह गढ़वाली फौज में थे और उन्होंने फौज से बगावत की और वो उस समय
बड़ी क्रांतिकारी बल्कि युगांतरकारी घटना थी। पेशावर में वहाँ के पठानों पर गोली चलाने का हुक्म अंग्रेजों ने दिया, तो उन्होंने हुक्मदो लिखी और इससे उन्हें काला पानी की सजा हुई। क्या क्या हुआ, बड़ी लंबी सजाएं उन्होंने भुगती। तो उनका मुकदमा लड़के नेहरू जी वगैरह ने उन्हें पहले छुड़वा लिया था। तो उसके बाद वो कुछ समय गांधी जी के साथ रहे, कुछ समय आनंद भवन में रहे, लेकिन फिर वो अपनी कर्म भूमि या समझिए कि अपनी मातृभूमि गढ़वाल लौट आए। और चंद्र सिंह गढ़वाली ने, जो दोनों गढ़वाल थे, टेरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, इन दोनों के एकीकरण का काम किया। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में ही 11 जनवरी 1948 को टिहरी रियासत का तख्ता पलटा गया। भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन जो देशी रियासतें थी जिनमें टिहरी रियासत भी शामिल थी, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था। तो इस तरह से टिहरी रियासत अभी तक गुलाम थी, वहाँ राजा का राज्य अभी तक कायम था। तो 11 जनवरी को कीर्ति नगर में वहाँ की जो तहसील है, जो SDM का कोर्ट है, वहाँ पर स्वाधीनता सेनानियों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसी में नागेंद्र सकलानी और मोलू सिंह भरदारी, दो लोग वहाँ शहीद हुए थे रियासती पुलिस की गोलियों से। तो उस दिन चंद्र सिंह गढ़वाली वहीं उपस्थित थे उस समय। चूंकि चंद्र सिंह गढ़वाली अनुभवी थे और खुद फौजी रह चुके थे, तो इसलिए उनको सारे तौर तरीके मालूम थे और उनको किस तरह से स्वाधीनता सेनानियों को अनुशासन में रखना है ये भी उन्हें आता था। इसलिए आप ये चमत्कार देखिए कि रियासती अफसरों की गोलियों से दो आंदोलनकारी शहीद हो गए, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी, लेकिन एक भी रियासत का कर्मचारी नहीं मारा गया। जबकि जनता अगर उमड़ पड़ती तो सारे वहाँ से जीवित कैसे जा सकते थे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली की उपस्थिति के कारण ये संभव हुआ कि उन्होंने लोगों को अनुशासित रखा। और उसके बाद जब दोनों शहीदों की लाशें वहाँ से टिहरी को ले जाई गई, तो उस दिन टिहरी में कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मजमा कभी टिहरी में नहीं जोड़ा, न उससे पहले न उसके बाद। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में दोनों शहीदों की अंत्येष्टि वहाँ पर की गई कि जहाँ पर राजा के परिवार के लोगों की अंत्येष्टि होती थी। तो इस तरह से उन्होंने रियासत से सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक अहिंसक क्रांति, रक्तहीन क्रांति टिहरी में सफल हुई। डॉक्टर योगेश धस्माना, उसके बाद ये निश्चय हुआ कि 26 जनवरी 1950 को नरेंद्र नगर में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में ही, नेतृत्व में ही, टिहरी रियासत का पूर्ण रूप से विलय के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है और रियासत का विलय भारतवर्ष में हो जाता है। इस तरह की कहानी, ये जो स्वाधीनता की कहानी है, ये राष्ट्रीय जीवन के साथ हमारे स्थानीय संघर्षों को भी जोड़ती है। सच्चे नायकों की ये सच्ची कहानियां हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि हिमालय भारत भूमि का मुकुट है, तो ये बलिदानी इस सुंदर मुकुट में लगे चमचमाते हीरे हैं। भारत भूमि को मुकुट निवाला, ओ मैं गंगा जमुना माला, भारत भूमि को मुकुट मुकुट हिमाला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र के अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। आलेख राकेश ढोंडियाल, वाचन स्वर विनय ध्यानी, संगीत रॉबिन कर्माकर, प्रस्तुतकर्ता अनिल भारती। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी देहरादून द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।